क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स गिवन है और उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इनवर्स कैलकुलेट करना है और आंसर्स जो गिवन है वो m के फॉर्म में है, m के जो पावर्स हैं। इनवर्स कैलकुलेट करना है और आंसर्स m के पावर्स में है। तो अभी जो टेक्निक बताया गया उसका यूज करेंगे। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए। डिटरमिनेंट m माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। एवरीवन प्लीज कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अदर्स प्लीज ऑल्सो कैलकुलेट। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस वन, राइट। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल लुक लाइक लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जस्ट वन मिनट। तो जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब के बदले एम क्यूब, लैम्डा के बदले एम, और वन के बदले लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एम क्यूब माइनस एम माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। ना हमें कैलकुलेट करना है एम इनवर्स। तो जस्ट आप क्या करो, दोनों तरफ एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो लास्ट स्लाइड में टेक्निक बताया गया, हमें एम इनवर्स कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी ऑप्शन है। तो एम क्यूब इंटू एम इनवर्स एम स्क्वायर माइनस एम इंटू एम इनवर्स आई माइनस आई इंटू एम इनवर्स इक्वल टू जीरो। तो यहां सब काफी आसानी से एम इनवर्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एम इनवर्स इज इक्वल टू बी ऑप्शन एम स्क्वायर माइनस आई, राइट, सेकेंड ऑप्शन। इस तरीके से आप गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स एम के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।